मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मित्रों आज हम लोग सवाल देखेंगे, त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय प्रश्नावली 8B क्वेश्चन नंबर 1 का सभी प्रश्नों को देखेंगे, सही विकल्प चुनना है। तो फ्रेंड्स, हम ये जो भी सवाल बता रहे हैं मनोहरे प्रकाशन के बुक से बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मनोहरे प्रकाशन की बुक से ही क्वेश्चन आंसर को ढूंढें। तो चलिए फ्रेंड्स, चारों इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं और एक विकल्प सही है, उसको चुनना है। और इसमें चार सवाल हैं, चारों सवालों को बताएंगे, आप लोग लाइन बाय लाइन देखते जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हल हल में यहाँ लिखेंगे 2 tan 30 degree अपॉन 1 plus tan square 30 degree बराबर लिख सकते हैं 2, और 10 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, बटे में 1 plus 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से बराबर फिर करके लिख सकते हैं 2 × 1/√3 का मान होता है 2/√3 हो जाएगा, अपन ये इसका वर्ग कर देंगे तो 1 + 1/3 का वर्ग हो जाएगा, 1/3 का वर्ग हो जाएगा। तो कर्णी का वर्ग होता है तो कर्णी बाहर हट जाता है। अब इतना बराबर लिख सकते हैं 2/√3, अब गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 4/3। तब इसको पलट देंगे, कहने का मतलब ये है कि इसको सिंपल वे में बदल लेंगे तो हो जाएगा 4/3। अब 4/3 को लिख सकते हैं 3/4 गुणा के रूप में जब लिखेंगे तो, ठीक है। अब देखिए 2 × 4 इसको काट लीजिए और इसको लिख सकते हैं अब हम लोग 2 बराबर करके 2 2√3, और ऊपर 3 है तो 3, ठीक। अब देखिए इतना बराबर लिख सकते हैं क्या, इतना बराबर लिख सकते हैं क्योंकि इसका प्रमेयीकरण कर लेते हैं, √3 को हटाते हैं नीचे से, तो इसके लिए क्या करते हैं √3 से गुणा करना पड़ेगा आंसर हर में। तो 3 √3 इसमें भी गुणा कर देंगे और 2 √3 ये पहले से है, इसमें √3 से गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 √3। और नीचे क्या लिखेंगे 2 √3 × √3 का मतलब हो जाता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3/2। √3/2 का मान होता है sin 60 degree, तो इतना लिख सकते हैं इतना बराबर sin 60 degree जो विकल्प दिया हुआ है, जो विकल्प में आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए ये विकल्प नंबर कितना दिया है, sin 60 का मान ए, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लीजिए 2 tan 30 / 1 − tan² 30 बराबर है, तो इसको बताना है तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सवाल दिया हुआ है, सवाल क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 / 1 − tan² 30 बराबर, अब इसको जो है लिख सकते हैं हल हल में 30 × 2 √3। 30 का मान क्या होगा 1/√3, तो 1/√3 / 1 − 1/√3 का वर्ग, ठीक है। तो फास्ट बता रहे हैं, समय का बचत होगा, तो
इतना बराबर फिर लिख सकते हैं 2/√3 अपान, अब इसका 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे √3 का, तो हो जाएगा 1/3। फिर अगले स्टेप में लिख सकते हैं 2/√3 अपान 3 × 3, अब 3 में से एक हटा देंगे तो 2/3, अब ये बट्टे में है तो 2/√3, अब गुणे में चेंज करेंगे तो पलट जाता है तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/√2, 3/√2, 3/√2 3/√3 हो जाएगा, 3/√3, 3/√3 को फिर इसको परिमेयीकरण करेंगे तो √3 से गुणा कर देंगे तो 3/√3 × √3 बराबर हो जाएगा 3/√3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √, कितना हो जाएगा √3। √3 का मान कितना होता है तो √3 का मान tan 60 होता है, तो इसको लिख देंगे tan 60 डिग्री, और देख लेंगे विकल्प में है कि नहीं है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का tan 60 डिग्री यानी कि विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको विकल्प मिल गया। उसके बाद से जो दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल मैंने तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि 1 − tan² 45 और 1 + tan² 45 बराबर कितना होगा। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से जो विकल्प कौन सा ही होगा, तो चलिए देखते हैं कौन विकल्प सही होता है। सवाल का क्या दिया हुआ है, सवाल दिया है ये तीसरा सवाल है, 1 − tan² 45 1 − tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। ठीक है, एक में वन है माइनस में है और एक में प्लस में है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 − tan² 45 इसका मान क्या होता है, एक होता है, वर्ग करेंगे तो भी एक ही होगा, अब 1 + tan² 45 इसका मान एक ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0/2, 0/2 का मान 0 होता है, तो हमारा विकल्प इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा, तो देखिए विकल्प डी सही हो रहा है। ठीक है, विकल्प डी सही हो रहा है। ठीक, सुनिए इसके बाद से आप लोग देखिए सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर कौन सा देखेंगे, 4। तो सवाल नंबर 4 देखेंगे, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके, तो इसमें से जो है देखेंगे कौन सा विकल्प सही होगा, इसके लिए जो सॉल्व करेंगे। और सवाल नंबर क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a के। ठीक, तो हमको जो है विकल्प ढूंढना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin 2a = 2 sin a और cos a। ठीक, इधर दिया हुआ 2 sin a। ठीक है, तो देखिए अब 2 sin a इधर भी है, 2 sin a इधर भी है, तो 2 sin a तो cos a बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 sin a, अब बटे में 2 sin a लिख सकते हैं ना, बहुत अच्छा। ठीक, तो देखिए अब इससे सेम है तो काट देंगे तो हो जाएगा 1, अब cos a बराबर हो गया 1, cos a बराबर 1 हो गया, और 1 बराबर लिख सकते हैं cos 0 cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मतलब हुआ थीटा का मान, यानी कि a का मान जो है क्या होगा, इससे तुलना कर लेंगे तो एक जगह पे 0 आएगा। ठीक है, 0 डिग्री, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा इसमें जो है विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 0 डिग्री, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स पूरे वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स अपना बहुमूल्य राय जरूर दीजिए फ्रेंड्स,
और ताकि हमें मोशन मिल सके। और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है, सवाल अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।